हेलो फ्रेंड्स, जब भी बच्चों का एग्जाम टाइम पास आता है तो बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लग जाती है, जैसे कि फ्रेंड्स का घर पे आना बंद, बच्चों का टीवी देखना बंद और बच्चों के साथ साथ आपका भी टीवी देखना बंद हो जाता है। लेकिन बच्चों की एग्जाम की तैयारी सही से तब भी नहीं हो पाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान से टिप्स आज मेरी वीडियो के द्वारा, ताकि आप सीख सकें कि बच्चों के एग्जाम टाइम की तैयारी किस तरीके से करवानी चाहिए। टिप नंबर वन, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तो बच्चों को एग्जाम से 2 से 3 हफ्ते पहले ही तैयारी कराना शुरू कर दें। उनके पूरे सिलेबस को चेक करें और जो चीज ज्यादा मुश्किल है उस चीज की तैयारी उन्हें पहले ही करवा दें। हर एक बुक के हर एक चैप्टर को वो रोजाना पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें एग्जाम टाइम पर ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना पड़ेगा। टिप नंबर टू, लेट करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए एग्जाम आने से पहले ही कई बार बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। इसीलिए आपको इस बात पर सही तरीके से ध्यान देना होगा कि बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में वीक है, आप उसे उस सब्जेक्ट की तैयारी एग्जाम के पहले से ही करवाना शुरू कर दें। आप चाहे तो बच्चे को उस सब्जेक्ट का ट्यूशन भी लगवा कर दे सकते हैं। टिप नंबर थ्री, कामकाजी पेरेंट्स अपने बच्चों पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसीलिए जब भी आपका बच्चा ट्यूशन से वापस आए तो क्लास में क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, ये चीज पूछना उनसे बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर फोर, जो वुमेन्स वर्किंग है, यानी कि अगर आप बच्चों की माँ हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आप काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को होमवर्क दे कर जाएं और जैसे ही आप घर वापस आएं तो अपने काम से समय निकाल कर बच्चे का होमवर्क जरूर चेक करें। अगर वो अच्छा हुआ है तो उसकी तारीफ करें और अगर ठीक से नहीं हुआ है तो उसे समझाएं। टिप नंबर फाइव, अपने बच्चों से ओरल और लिखित यानी कि रिटन टेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे हर वीक में कर सकती हैं। ऐसा करने से बच्चों को पहले पढ़ा हुआ और नई चीजें, दोनों ही चीजें आसानी से याद हो जाती हैं और एग्जाम टाइम पर उन्हें लिखने में भी काफी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आते हुए एग्जाम टाइम में आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकती हैं। इस वीडियो को देखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।